नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भोपाल बरखेड़ा पठानी में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां रोड की दयनीय हालत को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने आज वहां गड्ढों में बेशर्म के पौधे लगाए, ताकि मध्य प्रदेश की सरकार को कुछ तो शर्म आ जाए। यह बात भोपाल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने मीडिया को कही, एवं उन्होंने बताया कि पूरे भोपाल में इसी प्रकार प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर रविंद्र साहू झूमरवाला, दीपक बहादुर भारद्वाज, पवन सोनी कांग्रेस नेतागण उपस्थित थे। कांग्रेस के साथ बोनपुरा विधानसभा में और बरखेड़ा स्थित यहाँ पर रोडों की, बरखेड़ा पठानी स्थित यहाँ पर रोडों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को चलना मुश्किल हो गया। समझ में नहीं आता कि रोड में गड्ढे या गड्ढे में रोड है। आप देख लीजिए सामने, आपको अपना मोबाइल दिखाइए, फोटो करिए, आपको लगेगा कि यहाँ पर बाकी कितने गड्ढे हैं। भोपाल में पेड़ लगाते पेड़ बीडीए भी रोड बनाता है, नगर भी बनाता है, पीडब्ल्यू बनाता है, सीपीए बनाता है, और हमेशा इन विभागों में झगड़ा होता रहता है। वो कोई विभाग बोलता है हमारी रोड नहीं, कोई बोलता है हमारी नहीं। बीएचएल क्षेत्र में बीएचएल बनाता है, बीएचएल की रोडों का रख रखाव नहीं, बसों से उन्होंने रख रखाव नहीं किया, जामत नहीं किया। कहीं ना कहीं रोडें बहुत खराब हैं, आम जनता का आना जाना जीना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भोपाल की सड़कें, चाहे वो भोनपुरा की हो, बीएचएल की हो, कैसी की हो, उनको तुरंत बना रहे। मेरा नाम लाल बहादुर है। सर आज अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, सड़कों पर बेशर्म रूप में, क्या बेशर्म रूप में सरकार की शर्म आएगी? देखिए यहाँ जब चुनाव आता है तो पार्षद आ जाती है अपनी अपनी मांग लेके, भैया हमें जिता देना, हम सड़कें अच्छी बनाएंगे। आज भी हमारे फार्म भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ के जो पार्षद थे उनने कमिटमेंट किया था कि भैया मैं जीतते ही सबसे पहले वहाँ की सड़कें बनाऊंगा। 5 साल 7 साल हो गया, अभी तक वहाँ की सड़कें नहीं बनी। कीचड़ इतना है कि मंदिर जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ के लोगों को। पठानी की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सड़क उखड़ी ना हो, 2-2 फीट 2.5 फीट पानी भरा हुआ है। आपके जिलाध्यक्ष आदरणीय कैलाश मिश्रा जी के नेतृत्व में गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बरखेड़ा पठानी के वार्ड 56 में खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। यहाँ से यहाँ के पूर्व मुख्य विधायक रहे, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो कहा करते थे कि हम गोविंदपुरा विधानसभा को पेरिस की तरह बनाएंगे, तो ये विधानसभा की सड़कें देखिए, ये पेरिस की तरह सड़कें हैं। यहाँ से यहाँ की माताओं बहनों का निकलना दूभर हो गया है, यहाँ का आम जनमानस घर से निकल नहीं पाता है खराब सड़कों को लेके। और इसी बात को लेके जिला कांग्रेस कार्यालय ने आज बरखेड़ा पठानी क्षेत्र में खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया है। सर पूरे भोपाली सड़कें खराब है, पूरे भोपाल में प्रदर्शन किया जा रहा है इस प्रकार? हमारे अध्यक्ष जी के महोदय जी के नेतृत्व में पूरे भोपाल में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पहले कोलार में प्रदर्शन किया गया था, रोशनपुरा में प्रदर्शन किया गया, पुराने भोपाल में प्रदर्शन किया गया, पूरे भोपाल ही नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ता मिलकर खराब सड़कों को लेकर, महंगाई को लेकर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आम जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। सर आप यहाँ के रहवासी हैं, आपको क्या दिक्कतें आती है, किस लेकर किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही है? हमारे बुजुर्ग लोग देखते आए हैं, 50 साल दादाजी को झेला, वो कहते थे हम इसको पेरिस बनाएंगे गोविंदपुरा को। 12 बजे रख लो, पेरिस तो दूर की बात है, ये गांव देहात से बदतर हो गया है। ये बरखेड़ा पठानी क्षेत्र की आप सड़कों की हालत देखें, हमारी बहन बेटियां निकलती है रोडों पे, गिर जाते हैं कई लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं, रोज के आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई संज्ञान लेने वाला व्यक्ति नहीं है, सब सो रहे हैं। उनको पता है कि हम कुछ करें ना करें बीजेपी के लिए यहाँ पे वोट देती है लोग, एक मानसिकता बना ली लोगों ने, लेकिन कोई विरोध करना नहीं चाहता। अब आज भी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से यहाँ पे हम लोग विरोध कर रहे हैं।
लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सरकार इनका दायित्व बनता है नीचे से ऊपर तक हर व्यक्ति इनका बैठा हुआ, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे जो विधायक हो, चाहे जो सांसद हो, मुख्यमंत्री से लेकर सब इनके बैठे हुए। लेकिन भोपाल की सड़कें ठीक करो, भोपाल की सड़कें ठीक करो, इसके अलावा शर्म करो, कोई मतलब नहीं।